हेलो एवरीवन, चोपियावन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने नेक्स्ट जनरेशन बलेनो से रिलेटेड तीनों मॉडल खड़े हैं। ये आपका बेस्ट ट्रिम मॉडल है वो सिग्मा है, ये आपका जेटा है और वो डेल्टा है। ये टॉप ऑफ द लाइन का सेकंड वेरिएंट है। इससे ऊपर एक मॉडल और आता है अल्फा नाम से। टोटल 6 कलर आपको कंपनी इसके अंदर प्रोवाइड करवाती है। इस वीडियो में आप 3 कलर तो देख सकते हैं जो आपके सामने ऑलरेडी आ रहे हैं। ये आपका पलाटिक व्हाइट है, ये आपका सिल्वर के अंदर, और ये आपका ग्रैंडवर्क ग्रे कलर है। ये आज की कंपैरिजन वीडियो रहने वाली है। आज तीनों मॉडल्स के अंदर बात करेंगे आपको कंपनी कौन से मॉडल के अंदर कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करवाती है। जो फीचर आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है वो आपको उसके टॉप मॉडल के अंदर मिलता है, और इसी प्रकार से जो डेल्टा मॉडल के अंदर नहीं मिलता है वो आपको जेटा मॉडल के अंदर देखने को मिलता है। ऑलरेडी चैनल पे काफी सारे आपको टॉप मॉडल और जेटा वगैरह की आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके वहां पे देख सकते हैं। ये जो मॉडल है पर्टिकुलर ये आपका जेटा मॉडल है। नेक्स्ट जनरेशन बलेनो कंपैरिजन के साथ साथ आपको ओल्ड जनरेशन जो बलेनो आती थी उसका कंपैरिजन भी काफी ज्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है। आप दोनों देख सकते हैं, ये भी गाड़ी आपको पुरानी जो बलेनो आती थी कुछ इस प्रकार की रहने वाली। ये आपका डेल्टा मॉडल ही है, अगेन इसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा फीचर कंपनी उस टाइम प्रोवाइड करवाती थी। अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, जबकि अब वाली बलेनो के डेल्टा मॉडल के अंदर आपको कंपनी इस प्रकार का लुक है वो प्रोवाइड करवा रही है। अगेन सेम रहेंगे, पहले भी आपको रिम व्हील मिलते थे जबकि पुराने वाली के अंदर भी आपको रिम व्हील मिलते थे। दोनों के कलर सेम है, ये पल आर्टिक व्हाइट है, वो भी आपका पल आर्टिक व्हाइट कलर रहता है। इसके अंदर भी आपको फोग लैम्प नहीं मिलते थे, जबकि उसके अंदर भी आपको फोग लैम्प नहीं मिलते थे। इस मॉडल के अंदर आपको एलईडी मिलने लग जाती थी, लेकिन इसके अंदर आपकी हैलोजन ही रहेंगे। यहाँ पे आपका जो DRL है वो भी नहीं मिलेगा। उसके अंदर आपको जो पार्किंग लाइट जरूर मिलती थी पुरानी वाली बलेनो के अंदर, यहाँ पे आपका टर्न इंडिकेटर वगैरह, ये पार्किंग लाइट आप जो बटन देख रहे हैं, टॉप मॉडल में आपको फॉलो मी एंड हेडलैम्प वो मिलने वाले हैं, जबकि इस मॉडल में आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती। सबसे पहले बेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आपका जो फ्रंट के अंदर आपको कुछ इस प्रकार की ये गाड़ी नजर आने वाली है। ये अगेन सिल्वर कलर रहेगा। इस मॉडल के अंदर आपको जो डोर हैंडल है वो भी आपको बॉडी कलर नहीं मिलते हैं पीछे की, और यहाँ पे आपको जो स्टील रिम मिलते हैं। टॉप मॉडल के अंदर आपको अलॉय व्हील कंपनी देती है। यहाँ पे सबसे पहले इसकी टायर साइज की बात करें तो अगेन यहाँ पे आपको अपोलो के टायर मिलते हैं। आपको जेटा के अंदर भी अगेन अपोलो टायर है, लेकिन इनकी साइज बढ़ा दी गई है। यहाँ पे आपको 195/55 R16 के आपको टायर मिलते हैं, जबकि डेल्टा और जो सिग्मा और डेल्टा मॉडल के अंदर आपको अगेन टायर साइज सेम रहती है, लेकिन इनकी जो टायर साइज है इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको 185/65 R15 मतलब उसके अंदर 195, जबकि इसके अंदर आपको 185 के टायर साइज है वो मिलती है। सिग्मा मॉडल की साइड प्रोफाइल के अंदर आपको जो टर्न इंडिकेटर वो आपको फेंडर में मिलते हैं, जबकि आपको इस मॉडल से आगे की ओर आपको ORVM पे टर्न इंडिकेटर वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप जेटा मॉडल के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर वो मिलते हैं। जेटा मॉडल के अंदर आपको रिक्वेस्ट सेंसर और जो क्रोम डोर हैंडल है वो भी मिलने लग जाते हैं, जबकि डेल्टा मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको किसी प्रकार की क्रोम फिनिशिंग भी नहीं मिलती है, ना ही आपको क्रोम जो डोर हैंडल है वो भी नहीं मिलते हैं। पीछे की ओर बात करें तो ऐसे ये गाड़ी अचानक से देखने पे सेम ही लगते हैं, क्योंकि पीछे की ओर से ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं किया गया है। तीनों ही गाड़ियों के जो टेल लैंप है वो अगेन आपको सेम रहने वाले हैं। कंपनी इनको नेक्सा सिग्नेचर टेल लैंप के नाम से बोलती है। जो बड़ा चेंजेस आपको इन तीनों मॉडल के अंदर देखने में मिलेगा, जो जेटा मॉडल इसके अंदर आपको यहाँ पे बूट पे क्रोम जो एक्सेस होती है, जबकि इन दोनों मॉडल के अंदर आपको क्रोम नहीं मिलती है। जो आप डीलरशिप से या फिर कह लीजिए नेक्सा डीलरशिप से आप एज एन एक्सेसरीज भी लगवा सकते हैं। एक जो बड़ा फीचर चेंजेस रहेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इस मॉडल के अंदर वाइपर वॉश डिफोगर मिलता है, जबकि इन दोनों मॉडल्स के अंदर एक अच्छी मारुति की बात है कि यहाँ पे आपको बेस मॉडल के अंदर भी कंपनी डिफोगर प्रोवाइड करवा रही है, जो सेफ्टी से रिलेटेड भी काफी अच्छा फीचर माना जाता है। कई बार सर्दियों वगैरह के अंदर जब भी अंदर सफोकेशन या फिर कह लीजिए जो मिरर है विंडशील्ड वो ब्लाइंड हो जाती है, आपको दिखता नहीं है ड्राइवर वगैरह को, तो एक सेफ्टी से रिलेटेड भी काफी अच्छा ज्यादा फीचर है। पुरानी जो बलेनो का डेल्टा मॉडल था इसके अंदर आपको यहाँ पे वाइपर और वॉशर भी मिलते थे, लेकिन इस बार इस मॉडल से हटा दिए गए हैं। पीछे की ओर आपको चारवें मॉडल के अंदर रिक्वेस्ट सेंसर मिलेंगे। अब चलते हैं और इंटीरियर की बात करते हैं कि आपको कंपनियां कौन कौन से मॉडल के अंदर किस प्रकार का आपको इंटीरियर मिलता है, इंटीरियर के अंदर आपको कंपनी कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करवाती है। सबसे पहले बात करें इसके बेस मॉडल सिग्मा के अंदर कंपनी आपको किस प्रकार का इंटीरियर है वो देने वाली है। इंटीरियर की बात करें तो आपको सिग्मा मॉडल की इस प्रकार का इंटीरियर मिलेगा। इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम वो नहीं मिलने वाला है। नीचे की ओर आपको ऑटो एसी जरूर मिलेगी, जो एक इस सेगमेंट की या फिर कह लीजिए इस प्राइस रेंज की गाड़ी के अंदर कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, जो एक अच्छी बात है। आपको स्टेयरिंग पे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह नहीं मिलेंगे। अब डेल्टा मॉडल के अंदर चलते हैं और बात करते हैं डेल्टा मॉडल के अंदर आपको कंपनी कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करवा रही है या फिर आपको किस प्रकार का डैशबोर्ड है वो मिल रहा है। तो डेल्टा मॉडल के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी है वो टच स्क्रीन प्रोवाइड करवा देती है, जो डेल्टा मॉडल के अंदर काफी ज्यादा अच्छा फीचर माना जाता है कि इसके अंदर आपको रियर जो कैमरा है वो नहीं मिलता है, जबकि डैशबोर्ड है वो आपको प्रीमियम क्वालिटी का मिल जाता है।
स्टेयरिंग पे आपके स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे बात करें तो जो इस मॉडल के अंदर, अगेन मैं पीछे के सिग्मा मॉडल के अंदर बताना भूल गया, जो हेडरेस्ट है वो आपको इंटीग्रेटेड ही मिलेंगे, एडजस्टेबल रियर सीट पे नहीं मिलने वाले हैं। पीछे की सीट पे भी आपको 60-40 सीट स्प्लिट वगैरह नहीं मिलेगी। अब बात करें डेल्टा मॉडल के अंदर आपको कंपनी बूट के अंदर कौन कौन से फीचर है वो प्रोवाइड करवा रही है। अगेन ये गाड़ी लोक है तो आप पीछे भी, और आपको इलेक्ट्रिक बूट डोर है वो मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिक बटन है वो इस मॉडल के अंदर मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक बटन मिलेगा, और जैसे ही आपको इस डेल्टा मॉडल के अंदर भी कंपनी पार्सल ट्रे भी प्रोवाइड करवा रही है। पीछे जैसे मैंने कहा था कि आपको इस मॉडल के अंदर कंपनी व्हील कैप है वो जरूर प्रोवाइड करवाएगी, तो ये जो डब्बा आप देख रहे हैं ये व्हील कवर का है। पीछे की जो किट है ये आपको सार्की 99 वगैरह जो मैं आपको बता रहा था वो मिलेगा। अब पीछे के जो स्पेयर टायर की बात करें तो अगेन इसकी साइज है, आपको अपोलो के टायर मिलेंगे और यही सेम साइज का टायर है वो आपको मिलने वाला है। पीछे की ओर आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, रिफ्लेक्टर भी मिलता है। नीचे की ओर यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट की गई है। ये जो क्रोम है आपको जेटा मॉडल से मिलना स्टार्ट होगा, आपको सिग्मा और डेल्टा के अंदर क्रोम नहीं मिलेगा। पीछे की ओर आपको वाइपर वॉश डिफोगर, और यहाँ पे आपको स्पॉइलर बेस मॉडल से सिग्मा मॉडल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप बूट की बात करें तो बूट के अंदर आपको कंपनी कौन कौन से फीचर देती है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक बूट जो बटन है वो मिलेगा। यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है, इसको बूट को ऊपर नीचे करने के लिए आपको ग्रैब हैंडल है वो दिया गया है। बूट में आपको पार्सल ट्रे मिलती है। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको लैंप दिया गया है, अगेन ये हैलोजन रहेगा, अगर कंपनी एलईडी करती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पे आपको हुक वगैरह बैग वगैरह टांगने के लिए हुक मिलता है। काफ़ी डीप आपको इसके अंदर जो बूट है वो मिलता है। इसके स्पेयर व्हील की टायर साइज की बात करें तो अगेन ये टायर साइज है वो छोटी रहेगी। यहाँ पे आपको अपोलो के अनलेक 4GS वाले टायर मिलने वाले हैं। इसकी टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 185/65R15 साइज की आपको जो टायर साइज है वो मिलेगी। ये आपका स्टील रिम के अंदर रहेगा, अलॉय व्हील के अंदर कंपनी प्रोवाइड नहीं करवा के देती है। ये किट वगैरह रहता है जिसके अंदर आपके जो जैक वगैरह कंपनी आपको देती है। अब इस गाड़ी के अल्फा मॉडल के इंटीरियर के बारे में बात करें तो सबसे पहले इस डोर के अंदर यहाँ पे आपको जो लेदर रैप है, जो कुशनिंग है वो मिलती है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है, आपको डोर को ऊपर नीचे करने के लिए बटन, और ये आपको क्रोम डोर जो हैंडल है वो मिलते हैं। नीचे की यहाँ पे आप कॉइन वगैरह रख सकते हैं, और बूट को बंद वगैरह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इस बार बनाया गया है। नीचे की ओर आपको 1 लीटर का बोटल होल्डर और मैगजीन वगैरह। पीछे की ओर आपको यहाँ पे स्पीकर मिलते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स ही मिलेंगी। इसमें आपको 60-40 सीट स्प्लिट का जरूर फंक्शन है वो इसके अंदर मिलने वाला है। आप इस प्रकार से इसको है 60-40 सीट स्प्लिट कर सकते हैं। एडजस्टेबल आपको रियर की और जो हेडरेस्ट है वो मिलेंगे। ये आपको 2 ट्रांसमिशन के अंदर मिलती है, 5-speed मैनुअल और 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का डुअल जेट डुअल वीवीटी 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर, जो 66 किलोवाट की पावर जनरेट करके देता है 6000 RPM पर, और 113 Nm का ह्यूज टॉर्क जनरेट करके देता है आपको 4400 RPM पर। आप स्पेस देख सकते हैं, जो पेट्रोल इंजन होते हैं इनमें ये साइज के अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस है वो इसके अंदर मिल जाता है। काफ़ी नीटली इनको कंपनी के द्वारा प्लेसमेंट है वो किया गया है। ऊपर की ओर यहाँ पे आपको नॉइस इंसुलेशन के लिए नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कम करते हैं। आपको एक बार मैं इंजन ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि कितनी ज़्यादा साउंड है वो करता है या फिर नहीं करता है। इंजन ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके अंदर आपको स्मार्ट पेडल मिलते हैं। आप जब भी आपको क्लच है वो प्रेस करना पड़ेगा मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। ऑटोमेटिक होगा तो आपको ब्रेक है वो दबा के रखना पड़ेगा। जैसे कि ये गाड़ी ऑन हो चुकी है, आप इसका साउंड सुनना, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट इंजन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।